हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम बहुत सुंदर प्यारी सी तोरण पट्टी लेके आए। इसमें हमने वेलकम लिखा है। देखिए, देखने में बहुत सुंदर है, बनाना काफी आसान है। यह हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम देखिए कम लिखना सिखाएंगे। और फर्स्ट वीडियो में, इस वाली जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम ये इतना लिखना सिखाएंगे। हम एक साथ वीडियो बनाते हैं तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाती है, जिससे आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम आती है। तो हम दो पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे, तो आप दोनों पार्ट देखिएगा। और उसकी जो झाला बनाएंगे वो तीसरे पार्ट में बनाना सीखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे तीन कलर लिए हैं, रेड कलर, मैरून कलर है ये, ठीक है, और ये पैरेट कलर है, तोतई कलर, और ये पर्पल कलर, ठीक है। आप किसी भी कलर से बना के तैयार कर सकते हैं, आपको जिस कलर से बनानी हो। और 1.750 mm का होके आप 10, 11 या 12 नंबर के हुक से भी बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये ले लेंगे, धागा ले लेंगे पैरेट कलर का, तोतई कलर का। लूप बनाएंगे, लूप बनाने के बाद यहाँ पे हमें देखिए 17 चैन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 चैन ली, 17 चैन ले ली। अब यहाँ पे हम थंब रख लेंगे, 17वीं चैन पे 3 चैन एक्स्ट्रा और लेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, जो हमने ये 3 चैन ली है अभी, उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। हुक पे बल लेना है, 17वीं चैन में हुक डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाना है, जहाँ पे हमने ये थंब रखा हुआ है, ठीक है। देखिए, धागा लेके आएंगे और 3 लूप है, धागा लिया हमने हुक पे, 2 लूप में से निकाला, फिर धागा लिया, फिर 2 लूप में से निकाला, तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। और जो हमने 3 चैन लेके स्किप करी थी, उसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। टोटल हमारे यहाँ पे 20 चैन हो गई है, 17 हमने पहले ली थी, 3 चैन एक्स्ट्रा ली थी, तो टोटल हमारी 20 चैन से ये बनेगा, ठीक है। 2 हो गए हमारे ये डबल क्रोशिया। इसी तरह से सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। चैन में हुक डालेंगे, धागा पिक करके लाएंगे, 3 लूप है, धागा लिया, 2 में से निकालेंगे, फिर धागा लेंगे, फिर 2 में से निकाल लेंगे। और जिसको भी क्रोशिया चलाना आता है, बहुत ईजी तरीके से ये सीख सकता है, बिगनर भी आराम से बना सकते हैं ये तोरण, काफ़ी आसान तरीके से मैं बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलिए, ये फर्स्ट रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, और फर्स्ट रो में हमारे पास 18 डबल क्रोशिया बने हैं, 18, ठीक है। 17 चैन ली थी और जो 3 चैन एक्स्ट्रा ली थी उसको भी काउंट करा है, तो 18 हो गए। अब देखिए, 3 चैन लेनी है, वर्क को डन कर लेना है, और सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 18 के ऊपर 18 ही बनाएंगे, और इसी तरह से ये सेकेंड रो भी हमें कंप्लीट करनी है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें ये हमारी दूसरी रो शुरू हो गई। ऐसी हमें देखिए 9 रो तक हमें बनाना है, जैसे ये पहली हो गई, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से 9 रो तक हम बना लेंगे। सिर्फ क्या करना है आपको, सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये बनाएंगे, यहाँ के 3 चैन लेके वर्क को डन करेंगे, और इसी तरह से हम सिंपल 9 रो बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें 9 रो नहीं बनानी है, हमें 8 रो बनानी है, क्योंकि 9 रो बनाएंगे तो हमारी फ्री है, देखिए उल्टी साइड आ जाएगी। तो हम पहले यहाँ पे हम 8 रो बनाएंगे सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रो बनाई। अभी हमारी देखिए उल्टी साइड है, जब भी हम डिजाइन डालते हैं उसको हम सीधी साइड से ही डालना शुरू करते हैं, ठीक है। ये उल्टी साइड बनाई, अब हमें डिजाइन डालना है तो ये हमारी सीधी साइड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 9 रो बनाते तो फिर वो डिजाइन उल्टी तरफ को डलता, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। तो 8 रो बना के अब इसमें हम डिजाइन डालेंगे, डब्लू बनाएंगे, 3 चैन लेनी है, 1, 2, 3, 3 चैन ली, वर्क देखिए टर्न कर लेंगे। अब ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जब आप बनाओगे, तो आपको देखिए इस तरह से दिख जाएगा कि हमारी सीधी साइड है। तो सीधी सीधी साइड पे देखिए हमारी ये
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ रो हो गई, नौवीं रो में हम डिजाइन डालना शुरू कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, देखिए पहले हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशे बना लेंगे पैरेट कलर से, दो हो गए और ये तीन। अब अपना रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। कैसे करना है धागा ज्वाइन, पहले देखिए हुक पे ही हम पहले लूप बना देंगे, ठीक है, और इस पीछे वाले लूप में से निकाल लेंगे और दोनों धागों को अच्छे से खींच लेंगे। अब हमें रेड कलर से 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक धागा खींच लेंगे और ये धागे हमें साथ लेते हुए चलने हैं, ताकि हमें आगे इससे वर्क करना है, छोड़ना नहीं है, साथ में लेते हुए चलेंगे। तो ये 12 डबल क्रोशिया हमें रेड कलर से बनाने हैं। दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12। 12 डबल क्रोशिया बनाए। अब धागा चेंज करेंगे पीछे से, अपना तोते कलर का धागा ले लेंगे और लूप चेंज करना है। जब भी हम धागा चेंज करेंगे तो दोनों धागे अच्छे से खींच लेंगे। और अब हमें तीन डबल क्रोशिए इससे बनाने, एक, दो, ये हमारी देखिए डब्लू की एक रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थ्री चैन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पे तोते ही कलर से 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो, तीन और ये 12। 12 डबल क्रोशिया बना दिए, ठीक है, तोते ही कलर से 12 बने। धागा चेंज करेंगे और दो डबल क्रोशिया रेड कलर से बनाएंगे, एक, दो, धागा चेंज करेंगे। अब देखिए तीन हमारे ये वाले हैं, एक हमारा रेड वाला है, तो हमें टोटल चार डबल क्रोशिया अब इससे बनाने हैं, एक, दो, धागा खींच लेंगे, तीन और ये चार। अभी हमारी डब्लू की सेकंड रो भी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको देखिए कॉपी पे समझा देती हूँ, अगर आपको ऐसे बनाना हो जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ वैसे फॉलो करते रहिए, या तो आप देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं फोटो कैप्चर करके, आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी अगर इसको देख के बनाओगे। अगर आप मेरी वीडियो ये पूरी देखोगे तो आप ये ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से बनाना है। देखिए हमने ये सारा लिख चुके हैं, अब ये 17 चैन ली प्लस 3 चैन लेके हमने देखिए 20 चैन ले ली थी टोटल, तो उस पर हमारे 18 डबल क्रोशिया बने थे। और 8 रो हमें सिंपल बनानी है स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है। और W देखिए वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम में सबसे पहले हमें W बनाना है, W का ये बॉक्स बना हुआ है। तो हमने देखिए पहली रो बना ली है और दूसरी रो बना ली है। पहली रो कैसे बनाई है, तीन हमने यहाँ पे पैरेट कलर लिखा हुआ है, देखिए तो तीन डबल क्रोशिया, डी से मतलब डबल क्रोशिया, पैरेट मतलब पैरेट कलर से बनानी है। आप जो भी कलर का धागा यूज़ करें आप वो लिख सकते हैं। तोते ही कलर का धागा हमने यूज़ करा है, तो तीन डबल क्रोशिया हमारे तोते ही कलर से बने हैं, यहाँ पे देखते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 12 डबल क्रोशिया हमने रेड कलर से बनाए, इस तरह से 12 रेड कलर से बनाए। और फिर लास्ट में तीन हमारे पैरेट कलर से बने हैं। लास्ट और स्टार्टिंग हमारी तीन डबल क्रोशिया पैरेट कलर से ही बनेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। बीच में जो डबल क्रोशिया हैं उसमें ही चेंज होगा 12 डबल क्रोशिया के बीच में, ठीक है। टोटल 18 है, तीन इधर हमारे सिंपल रहेंगे, तीन ऊपर सिंपल रहेंगे, बीच में ही चेंज होगा। अब सेकेंड रो हमने बनाई थी उल्टी तरफ से, देखिए यहाँ से बनाते हुए आए थे हम, तो
12 डबल क्रोसिया हमने पैरेट कलर से बनाए, पी मतलब पैरेट, यहाँ पे हमने पूरा लिखा हुआ है और आगे हमने पी पी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा पी मतलब पैरेट कलर, ठीक है। तो 12 डबल क्रोसिया हमने पैरेट कलर से बनाए, दो हमने रेड से बनाए यहाँ के, फिर चार हमने पैरेट कलर से बनाए, ठीक है। इसी तरह से हमें तीसरी रो बनानी है, 5 डबल क्रोसिया पैरेट कलर से बनाने हैं। ऐसे हम जब स्टार्टिंग करेंगे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर मैं इसकी, आप चाहो तो ये मैं इसकी फ़ोटो कैप्चर करके अपने वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप वहाँ से ये कैप्चर करके पूरी वीडियो बना सकते हैं, देख के अपने तोरण बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारा लिखा हुआ है, COME। चलिए मैं पहले आपको एक रो दिखा देती हूँ किस तरह से बनानी है इस पेपर में से देख के। देखिए तीसरी रो चल रही है हमारी डब्लू की, दो रो हमारी बन चुकी है, मैंने यहाँ पे रो लिखी हुई है, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। तो हम थ्री चैन लेंगे, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा, तो हमें तीसरी रो में 5 डबल क्रोशिया पैरेट कलर से बनाने हैं। एक हो गए, दो, तीन तो हमारे बनेंगे ही और बाकी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तीन हो गए, चार और एक पांच, रेड के ऊपर से एक बना है हमारा, तो ये हमारे पांच हो गए। अब उसके बाद हमें 3 डबल क्रोसिया रेड कलर से बनाने हैं, धागा चेंज करेंगे अपना, एक दो तीन, तीन बना लिए, धागा थोड़ा खींच लेंगे, गैप आ जाएगा वरना। अब तीन के बाद हमें फिर से 10 डबल क्रोसिए पैरेट कलर के बनाने हैं। इस तरह से बनाओगे तो फ्रेंड्स आपका काफी आसानी से बन जाएगा। अब हम 10 बना लेंगे और ये हमने 9 बना लिए लास्ट में, ये 10 10 डबल क्रोसिए हो गए हमारे पैरेट कलर से। अब हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, अब फोर्थ रो बनानी है, फोर्थ रो में हमें 12 डबल क्रोशिया फिर से पैरेट कलर के बनाने हैं, थ्री चैन लेनी है और 12 डबल क्रोशिया बना देंगे, काउंट करते हुए बनाना है, कोई स्टिच हमारी कम या ज़्यादा ना हो जाए। दो हो गए, तीन, चार और ये 12, 12 डबल क्रोशिया बना दिए हमने। अब हमें दो रेड कलर से बनाने हैं, एक धागा खींच लेंगे, दो, और फिर से हमें 4 डबल क्रोशिए तोते कलर से बनाने हैं, एक दो तीन चार, थ्री चैन लेनी है, वर्क डन कर लेंगे। अब फिफ्थ रो बनानी है हमें, ठीक है, फिफ्थ रो में तीन हम पैरेट कलर से बनाएंगे, दो तीन, उसके बाद हमें फिर से 12 डबल क्रोशिया रेड कलर से बनाने हैं, धागा चेंज करेंगे, एक दो तीन चार, 11 बना दिए और ये 12, ठीक है, धागा चेंज करेंगे और तीन हमें तोते कलर से बनाने हैं, एक दो तीन। देखिए डब्ल्यू हमारा कंप्लीट हो गया है बिल्कुल, ठीक
ठीक है। डब्लू की हमारी 1 2 3 4 5 रो बनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे हमने ये देखिए यहाँ लिखा है वैसे ही हमने ये फॉलो करते हुए बनाया है, तो देखिए बन चुका है ये हमारा डब्लू। अब डब्लू बनाने के बाद हमें 3 लाइन सिंपल बनानी है पैरेट कलर से ही, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 रो हम सिंपल बना लेंगे, 18 के ऊपर 18 ही बनेंगे। देखिए कैसे बनानी है, 3 चैन लेंगे, वर्क को डन करना है और सभी चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। 3 रो सिंपल बना दी है हमने पैरेट कलर से। अब देखिए ये उल्टी साइड है, 3 चैन लेनी है और वर्क को टर्न कर लेंगे। जब भी हम अल्फाबेट बनाएंगे वो हमारी सीधी साइड से ही बनेगा, ठीक है, आपको ध्यान देना है। 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे पैरेट कलर से, 2 हो गए 3। देखिए हमने रेड कलर का धागा काटा नहीं था, यहीं पे लगा हुआ है और यहीं से हम धागा उठा लेंगे। और यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें रेड कलर से। एक दो तीन चार, 12 डबल क्रोशिया बना लिए, धागा चेंज कर लेंगे अपना और 3 डबल क्रोशिया हमें तोते कलर से बनाने हैं। थ्री चैन, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 हो गए 3, 2 रेड कलर से बनाने हैं। इस तरह से धागा रख के चेंज करेंगे। एक दो धागा खींच लेंगे, 3 हमें तोते ही कलर से बनाएंगे। एक दो 3, 2 हम रेड कलर से बनाएंगे। एक दो 3 तोते ही कलर से बनाने हैं। एक दो 3, 2 रेड कलर से बनाने हैं। एक दो, ठीक है, और 3 हम तोते कलर से बना लेंगे। थ्री चैन लेनी है, ये हमारे ई की देखिए 1 2 रो कंप्लीट हो गई है। अब फिर से देखिए 3 हम पैरेट कलर से बनाएंगे। दो हम रेड कलर से बनाएंगे। तीन हम फिर से पैरेट कलर से बनाएंगे। जहाँ पे हमने ये 3 बनाए वहीं पे हमें 3 बनाने हैं। एक दो 3, 2 हम रेड कलर से बनाएंगे।
एक, दो, तीन, हमें फिर से पैरेट कलर से बनाने हैं। एक, दो, तीन, दो रेड कलर से बनाएंगे। एक, दो, तीन हम पैरेट कलर से बना देंगे। एक, दो, तीन, ई की तीन रो कंप्लीट हो गई है। एक रो और बनानी है हमें, चार रो बनेगी ई की। ठीक है, सेम ऐसे ही बनेगी। तीन पैरेट कलर से, दो रेड कलर से बनाएंगे। एक, दो, तीन तोते कलर से बनेंगे डबल क्रोसी हमारे। एक, दो, तीन, दो रेड कलर से बनेंगे। और फ्रेंड्स, आप बनाओगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपका बनके तैयार हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा टफ है बार बार धागा चेंज करना, जब आप बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाते हुए भी, और काफ़ी जल्दी ये बनके भी तोरण तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 घंटे में ये तोरण तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिए। ठीक है, मैं देखिए काफ़ी आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप भी अपने घर में अपने हाथों से बना के लगा सके। और कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और जो साथ में बेल आइकन आता है उसको भी दबाइए करिए। उसे दबाने से पता ही क्या होता है कि हम जब वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता है और आप हमारी वीडियो मिस नहीं करते हो। ठीक है, जब भी आप बटन दबाओगे तो हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी जब भी हम अपलोड करेंगे। तो ये हमारी ई कंप्लीट हो गया है। देखिए, ये हमारा एक, दो, तीन, चार रो में कंप्लीट हुआ है। अब हमें फिर से तीन रो सिंपल बनानी है पैरेट कलर की ही, जैसे कि हमने इन दोनों के बीच में ये तीन बनाई थी गैप देके। ठीक है, तीन चैन लेंगे, वर्क को डन कर लेना है और 18 के ऊपर 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन रो हमने बना के कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, हम सीधी साइड पे आ गए। अब हम थ्री चैन लेंगे तो ये हमारी उल्टी साइड पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमें एल बनाना है वो हमारा उल्टी साइड से बनना शुरू होगा, क्योंकि अब हमारी तीन रो के बाद हमें रो तो बनानी नहीं है सिंपल, तो हम एल यहीं से बनाना शुरू करेंगे उल्टी साइड से। ठीक है, क्योंकि हम बराबर ही लाइन रखेंगे सभी अल्फाबेट के अंदर। तीन हमने यहाँ रखी, तीन यहाँ रखी, तीन बीच में एल के बाद रखेंगे। तो अब हमारा ये उल्टी साइड से ही बन रहा है एल, और एल जब उल्टी साइड से बनेगा तो इतना देखिए वैसा नहीं लगेगा कि उल्टी साइड से बना है, क्योंकि सिंपल ही बनता है एल हमारा। अब हमें देखिए, तीन हमने पैरेट कलर से बना दिए और 12 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं रेड कलर से।
एक, दो, धागा साथ में लेके चलेंगे, तीन, चार, पाँच, 12 डबल क्रोशे बना दिए, धागा चेंज करेंगे, एक, दो, तीन, ठीक है, थ्री चैन लेनी है, वर्क को डन करना है। दो हो गए, तीन, दो डबल क्रोशे हमें रेड कलर से बनाने हैं, एक, दो। अब जितने भी हमारे पास चैन बची है उसमें हमें एक एक तोताई कलर से बनाना है, पैरेट कलर से बनाना है। 13 डबल क्रोसी हमारे ये बचे हैं, ठीक है, 13 के अंदर देखिए हमें सभी के अंदर एक एक डबल क्रोसिया बनाना है। यहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए एल की दो रो कंप्लीट हो गई है, थ्री चैन लेनी है, वर्क को डन कर लेना है। और हमें अब ये 13 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं तोते ही कलर से, ठीक है। और जहाँ पे ये रेड कलर है वहाँ तक हम बनाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे दो हमारे रेड के ऊपर रेडी बनेंगे। चलिए मैं 13 बना लूँगी, 12, और ये हमारे 13 डबल क्रोशिया हो गए। धागा चेंज करेंगे, एक, दो, धागा खींच लेंगे अच्छे से, और तीन हमारे पैरेट कलर से ही बनेंगे, एक, दो, तीन। देखिए एक, दो, तीन रो कंप्लीट हुई है एल की हमारी। इस धागे को थोड़ा ढीला कर लेंगे, नहीं देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है। थ्री चैन लेनी है, दो, और ये तीन डबल क्रोशिया बनाए, दो रेड कलर से बनाएंगे, एक, ये दो, ठीक है। और बाकी जितने भी बचे हैं हमारे उनके ऊपर हमें एक एक बनाना है। ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बनेंगे, चलिए बना के कंप्लीट करेंगे। एल की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है, देखिए एक, दो, तीन, चार। अब हमें फिर से तीन रो सिंपल बनानी है, ठीक है, तीन रो हम सिंपल बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तीन रो हमने बना के कंप्लीट कर लिए। अब हमारा ये वेल बन गया है, अब हमें कम लिखना है। और देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी, इसलिए हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम कम लिखना बताएंगे, ठीक है, वेलकम पूरा। उसमें हम सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में पूरी तोरण की पट्टी हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप इस वीडियो में ये बनाना सीख लीजिए और ये बना के रख लीजिए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बॉर्डर वगैरह भी हम दूसरी वीडियो में ही सीखेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो लोगों को देखने में परेशानी हो जाती है, तो यही अब लंबी वीडियो हो गई है। तो आप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करेगा और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।